साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा, इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है,
वो माँ गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो माँ गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब माँ गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे, जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घटों का घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50-60-70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था, विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है
उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, बिना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युतते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का हो, ये बोलिए तबे कोई आ सकेला कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है वो काशीवासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है, इदम शिवाय इदम नमम। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से
काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से गिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर भरता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते और गाते हुए आखिर में क्या कहा, नेति नेति ही कहा है। यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रुयो, शिव शब्दार्थ चिंतिका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपने देश के कण कण में मातृबोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी
काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वम शरणम याया समय बुद्धि प्रदाश्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से